हम जिंदगी में बहुत बार हार जाते हैं, गिर जाते हैं और कभी कभार तो हम लोग उठने की कोशिश भी नहीं करते। और जब वक्त निकलता है तो हम सोचते हैं कि काश एक बार और मैंने कोशिश कर ली होती। इस केस में क्या करें, मैं आपको बताता हूँ। ऊपर एक वीडियो चल रहा है, 3 साल का एक छोटा सा बच्चा है जो कि एक स्केटर है और उसके मन में कोई डर का गिरने का भाव ही नहीं है। वो सिर्फ एक ही बात सोच रहा है, मैं स्केटिंग करते हुए गिरूंगा, फिर से उठूंगा और फिर से कोशिश करूंगा क्योंकि मुझे इस काम में मजा आता है। तो बच्चे बन जाओ, गिरने से डरो मत, फिर से उठो क्योंकि जिंदगी इसी का नाम है। पंजाब के बठिंडा के एक छोटे से गांव से निकला हुआ ये लड़का जो अपनी गायकी से उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब की याद दिलाता है, रातों रात इंडियन आइडल 11 का खिताब जीत के सुपरस्टार बन गया। लेकिन ये सफर उसके लिए इतना आसान नहीं था। बचपन में ही ऐसे में पिताजी की मृत्यु हो गई, अपनी माँ को और घर को सहारा देने के लिए उसे बूट पॉलिश तक करना पड़ा। बिना तालीम के उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के गाने सुन सुनकर उसने गायकी सीखी और उसके बाद उसने इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट किया। लेकिन ये लाइमलाइट में तब आया जब आनंद महिंद्रा ने उसके एक वीडियो को ट्विटर पे शेयर किया, फिर उसके बाद उस बंदे ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा और फाइनली इंडियन आइडल का खिताब अपने नाम कर लिया और अपनी माँ का सपना भी पूरा किया। तो इस बंदे के लिए एक हार्ट तो बनता है।